नहीं यार, तो ताली बजाती हुई देखा। बैंकर्स में हाँ बाद में प्रसन्नता की। प्रिय किसान भाइयों, मेरे साथ गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम जी हैं, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी हैं, हमारे सिंचाई मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी हैं, हमारी आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी है, और आप सब उपस्थित किसान भाइयों, कोरोना के संकट के कारण हम बड़ी संख्या में मिल नहीं पा रहे। मैं जब से मुख्यमंत्री बना 23 तारीख से, 23 की रात से ही, लगभग कोरोना के तब से ही लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपनी टीम के साथ आप सबके सहयोग से लगे हैं। इस महामारी को भी पूरी तरह खत्म करना है। परिस्थितियां विपरीत है, आप जानते हैं, सरकार के खजाने में टैक्स नहीं आ रहा, अनेकों तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन तब भी हमने ये फैसला किया है कि गरीब और किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इसलिए किसान भाइयों, हमने फैसला किया कि 0% ब्याज पर किसान को कर्जा जारी रखा जाएगा। उसकी तिथि भी बढ़ा दी थी, 31 मई तक। उसके लिए लगभग 38 करोड़ रुपया ब्याज का अलग से हमने किसानों की तरफ से सरकार के खजाने से जमा किया। हमने ये भी तय किया कि किसान की फसल की खरीदी ढंग से हम करेंगे, और इसलिए मुझे बताती हो खुशी है कि कल अकेले एक दिन में 3,18,000 मीट्रिक टन 58,000 किसानों से गेहूं खरीदा था। पूरे प्रदेश में अब तक 20 लाख किसानों में से 5,65,000 किसानों से 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं, और किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, जो उसके खाते में आने लगेगा। हमने ये भी तय किया है कि चना, मसूर और सरसों की खरीदी भी किसान भाइयों की जाएगी। आर्थिक संकट है, लेकिन किसानों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। एक और बड़ी बात थी, 18-19 में खरीफ की फसल के लिए और रबी की फसल के लिए फसल बीमा योजना की प्रीमियम की राशि किसानों ने तो जमा की थी, लेकिन पिछली सरकार ने जमा ही नहीं की। राज्य का जो हिस्सा जमा करना था और जमा नहीं की, तो आपको फसल बीमा योजना का पैसा मिल ही नहीं रहा था। मैंने आके पूरी स्थिति देखी, और मार्च के अंत में राज्यांश लगभग 2200 करोड़ रुपया, संकट के समय राज्य का अंश 2200 करोड़ रुपया हमने जमा कर दिया प्रीमियम का, और आज उसी का परिणाम है कि लगभग 15 लाख किसानों को खरीफ 18 और रबी 19 के लगभग 2,980 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके खाते में जा रहा है जाएगा। अब इस समय आसान नहीं था, इन किसान को तो पसीने की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। खेती आधार है मध्य प्रदेश का, हमारे देश का, और ये कठिन समय में भी ये पैसे निकाले और प्रीमियम के रूप में जमा किए हमने। इसलिए आज फसल बीमा योजना का लाभ
मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा, 15 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएंगे। जिन किसानों के खाते में ये पैसा जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करते हैं हम सब मिलके कि ये सरकार आपकी सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक और फैसला हमने किया है मंडी एक्ट में संशोधन का। अभी किसान की मजबूरी थी कि मंडी में जाके ही उसको अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन हमने मंडी तो चालू रखने का फैसला किया ही है। कोरोना के कारण हमने इस बार एक व्यवस्था की थी सौदा पत्रक की, जिसमें किसान और व्यापारी में सौदा पड़ जाए तो किसान के घर से ही व्यापारी खरीद ले। मंडी में जाने की बाध्यता समाप्त की थी। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला, चर्चा हुई और हमने मंडी अधिनियम में ही संशोधन कर दिया। एपीएलएम के 9 प्रावधान लागू करने का सुझाव हमारे पास भारत सरकार से आया था। अब हम जो कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, अब केवल सरकारी मंडी नहीं होगी, सरकारी मंडी तो होगी, जिनको सरकारी मंडी में जाना हो वो सरकारी मंडी में जाए, अपना अनाज बेचे, लेकिन मंडी में कई बार बड़ी समस्याएं आती, लंबी लंबी लाइन लगी, 3-3, 4-4 दिन तक किसान खड़ा है। कई बार मंडी के प्रांगण में गए तो अनाज का ठीक दाम नहीं मिलता, कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, काकस अगर बन गया तो बने काकस के कारण उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अब हमने तय कर दिया कि प्राइवेट व्यापारी भी अपनी निजी मंडी खोल सकता है और किसान चाहे तो सरकारी मंडी में जाए, चाहे तो प्राइवेट मंडी में जाए। हमने यह भी तय कर दिया है कि कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर किसी भी किसान के घर जाके या खेत पर जाके फसल खरीद सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके उत्पाद को ट्रैक्टर ट्राली में भर के आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दाम ठीक मिलता है, व्यापारी से सौदा पट गया तो घर बैठे आप अपना अनाज बेच सकेंगे, फल भी बेच सकेंगे, सब्जियां भी बेच सकेंगे, खेत से सब्जी ले जाए, खेत से फल ले जाए, खेत से अनाज ले जाए, घर से अनाज ले जाए, मंडी की बाध्यता क्यों? नहीं जाना मंडी तो नहीं जाएंगे, घर पे बेचेंगे, समर्थन मूल्य तो जारी रहेगा ही, तो सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, मंडी की खरीद भी जारी रहेगी, लेकिन आपके घर पे भी खरीदी हो सकती है। और कई लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, मैंने किसानों से राय ली, उनका नहीं ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इसलिए मंडी के बाहर भी किसान अलग अलग व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो, होलसेल विक्रेता हो, फूड प्रोसेसर हो, मतलब कोई चीज दाल बनाने वाला हो, चावल बनाने वाला हो, किसी को भी बेच सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको मर्जी चाहे बेचो आप। मंडी समितियां निजी मंडी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी, पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस व्यापारियों को व्यापार करने के लिए होगा, एक लाइसेंस तो पूरे प्रदेश में खरीद सकते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा हो व्यापारियों में और नए व्यापारी खड़े हो और किसान को ज्यादा दाम मिल सके। और ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी रहेगी, ई ट्रेडिंग मतलब पूरे देश की मंडियों के रेट आपके पास रहेंगे और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, अगर कोई चेन्नई का व्यापारी खरीदना चाहता है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको वहां के रेट पता है, वो रेट दे देगा, सैंपल भेजने की व्यवस्था रहती है और उस पर आप घर बैठे अपने अनाज का सौदा कहीं भी कर सकेंगे देश भर में, जहां दाम अच्छा मिले आपको। तो ये अत्याधुनिक व्यवस्था है,
और इसका मतलब यह है कि किसान को ठीक दाम मिले, जहां मिले वहां बेचे, घर मिले घर पे बेचे, खेत में मिले खेत पे बेचे, मंडी में मिले मंडी में बेचे, समर्थन मूल्य पे मिले समर्थन मूल्य पे बेचे, और ई ट्रेडिंग के माध्यम से दूसरे प्रदेश के किसी व्यापारी को बेचना तो उसको बेचे। हमारी कोशिश यह है कि अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बना के किसान को ठीक दाम मिल जाए, ये कोशिश है। आज तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। आगे भी सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप विदिशा से थान सिंह यादव जी हैं क्या? थान सिंह जी कैसे हो, क्या हाल है सुनपुरा में, ठीक ठाक है सब? ये फसल बीमा योजना का पैसा आ गया? बहुत दिनों बाद बैंकों में जा रहे होंगे अब तो। बीच में तो पैसा नहीं आया कभी खाते में? अच्छे मैसेज आ रहे हैं। चलिए, और गेहूं की खरीदी कैसे चल रही? बहुत ही अच्छी है, अभी तक जो खरीदी हुई है उससे काम हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप खुश है? बहुत खुश है, हमारा करीब में है। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सभी किसान बहुत खुश है हमारे क्षेत्र के नाम। चलिए, सभी किसानों को राम राम कहिए मेरा, और खुश रहिए, सरकार आपके साथ है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा, ये प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं क्या? सीहोर सर, नमस्कार सर, बैठे हैं सर। हाँ नमस्कार, क्या हाल है प्रहलाद जी? ठीक है सर, बढ़िया, अच्छे टाइम पे आ गए भाई साहब, तो सोच गेहूं तो खरीदते ही नहीं, और ऐसे टाइम पे पैसा आया है कि मगर बहुत सबके साथ खुश है, दो दो लाख के चक्कर में तो बोल रहे थे, और अब बिल्कुल सब बढ़ने वाला है कि ऐसे टाइम पे। अब देखो आपके खाते में कितने, 91,000 जी भाई साहब, 91,660 काय की कर दिया माफी 2 लाख की। चलिए बहुत, अरे तू ये 91,000 मेरे खाते में, बाकी जो बीवी और मतलब उनके बच्चे जो करते तो ना उनके करीब आ गए 2 लाख आ गए। चलिए बहुत बधाई आपको, और सबको भी बधाई दीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, ठीक है, होशंगाबाद के अशोक वर्मा है क्या? नमस्कार, कैसे हैं वर्मा जी? सर बीमा आ गया हमारा, आ गया 7,003,300 रुपए आया है। 97,303 हाँ 303 रुपए आया है। चलिए बहुत बधाई, खुश आशीर्वाद सर, इस समय आया कि बड़ी भारी मुसीबत थी, इस समय ये पैसा लाखों रुपए जैसा काम करेगा। बहुत बधाई आपको, खरीदी वरीदी भी ठीक चल रही? चलिए वर्मा जी प्रसन्न रहिए। हरदा से रामशंकर जी है क्या? प्रणाम, क्या हाल है हरदा वालों, कृषि मंत्री हो गया तुम्हारे यहाँ का तो? मामा जी तहे दिल से आपका बहुत 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 धन्यवाद। मामा जी खुश है आप जी? मामा जी बहुत अति खुश है, आपने हमें जो सौगात दी है उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। हमें मंत्री भी दे दिया। चलिए पैसा खाते में पहुंच गया जी? मामा जी बिल्कुल खाते में पैसा आ गया है। कैसे समय को पैसा आया है मामा जी, अभी तक सिर्फ मोबाइल में मैसेज आते थे तो ऐसा लगता है कि कौन से कटे हैं, आपके आने के बाद वापस ऐसा लग रहा गया कि पैसा आ रहे हैं। चलिए आप चिंता मत कीजिए, खरीदी भी अच्छी चल रही जी? मामा जी बहुत अच्छी चल रही है। और मूंग 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 बोली कि नहीं मामा जी? मूंग बोली है, बड़े बड़े मामा जी और छोटे मामा जी दोनों साथ में हैं, तो हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी है मूंग, फसल अच्छी है,
अभी फसल मोबाइल बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत बधाई हरदा वाले सब किसान भाइयों को। सागर राकेश कुमार दुबे जी, सागर जी प्रणाम सर। प्रणाम राकेश जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। पैसा ऐसा पहुंचा खाते में? जी पहुंच गया सर। कितने पहुंच गए? अब कर्जे माफी अच्छी कि मामा अच्छा है? उनकी सरकार में तो कभी नहीं आया ना? चलिए, और खरीदी शुरू हो गई गेहूँ की अच्छे से? जी हो गई, माता जी के नाम से हमारे मैसेज भी आ गया, उसका गेहूँ पूर्ण भी गया, पैसा भी आ गया 1,80,000। अरे वाह बधाई आपको। अब ये 2,88 और 1,80 तो यही हो गया। ठीक है, बहुत बधाई। गोरख सिंह जी को भी बधाई। प्रणाम प्रणाम। नरसिंहपुर से दूल सिंह लोधी जी। हाँ सर, ये दुनिया जी बैठे। क्या हाल है? पैसा ऐसा आ गया खाते में जी? कितना आया? 67,962 आ गया। बहुत बधाई आपको। और श्रीमती गोमती बाई लोधी भी बैठी हैं। नमस्ते, आपके खाते में पैसा आ गया बहन? खुश हो आप? खूब खुश रही है। गेहूँ की खरीदी शुरू हो गई? ठीक है, बधाई आपको। बहुत बधाई आपको। रीवा से दिव्यांशु चतुर्वेदी जी। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है चतुर्वेदी जी? जी कृपा है। पैसे आगे खाते में बीमा के? जी आगे। कितने आए? 1,23,000 समथिंग आए हैं। और लगभग इतने ही भाई के खाते में, तो 2,50,000 से ऊपर ही मान लीजिए। तो 2,00,000 के कर्जा से तो अच्छा है नहीं? कौन बेहतर है? बहुत बेहतर। मामा अच्छा नहीं कर रहा। मामा अच्छा है ये? सवाल बहुत अच्छा था। जी हेलो। हाँ रीवा वालों को तो वैसे भी कर्जा माफी को प्राथमिकता नहीं देती। हाँ रीवा वालों को तुम्हारे आठों की चलो, लेकिन अब मामा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सबको बधाई दीजिए। और तुलाई शुरू हो गई गेहूँ की? गेहूँ की तुलाई शुरू हो गई? चलिए बधाई। नागेंद्र पांडे जी है उनको भी बधाई, सब किसान भाइयों को बधाई। उज्जैन के आगरमालवा से प्रहलाद जी है। क्या हाल है प्रणाम जी? नमस्ते, राम राम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, पैसे पहुंच गए खाते? आगर से आगर का आपने नाम लिया। हाँ आगर की, पहले तो मैं आपको आगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगर में आपका आपकी बहुत देर है, आगर में आपकी बहुत कृपा रही है। पूरा जिला आपने आगर का आगर को जिला बनाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अभी बीमे में जो पैसे दिए किसानों को, इसलिए किसान भी बहुत खुश हैं, अच्छा पैसा भी अच्छा मिला है, और उनको इस समय अति आवश्यक जरूरत थी, और जरूरत को आपने पूरा किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सब किसान भाइयों को धन्यवाद दीजिएगा। गेहूँ की खरीद भी शुरू हो गई? जरूर 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 सर। हाँ अच्छे से चल रही, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बधाई सब किसान भाइयों को। हाँ आगर मालवा वालों को भी बहुत बधाई, खुश रहे, सरकार आपकी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आगर मालवा हमेशा आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आपने आगर को बहुत कुछ दिया। बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई। गुना से सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी हैं? हाँ बोल रहा था। राम राम सुंदरलाल जी। राम 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 आपको भी मामा जी। पैसा पहुंच गया खाते में? पैसा पहुंच गया 84,855। चलो बहुत बधाई आपको, 84,855 पहुंच गया खाते में। अब तो खुश है? खुश है साहब, गेहूँ की खरीद भी बहुत सही चल रही है, आपके आते से सब काम सही हो गया था।
बस कोरोना को और सही करना है। हो जाए एक भी मरीज नहीं है आपके क्या? हाँ, गुना में एक भी मरीज नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बधाई आपको और सबको मेरा राम राम कहना। भैया लाल जी भी है क्या? हाँ है ना भैया लाल जी। क्या हाल है भैया लाल जी? ठीक है। पैसा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। कितने? 1,13,108। वाह बहुत बधाई आपको, खुश हो? हाँ खुश है। मामा के आने से फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ है। और खरीदी भी अच्छी चल रही? बढ़िया चल रही। चलिए बहुत बहुत बधाई, सरकार आपके साथ है, सब किसानों को राम राम कहिए और किसानों के लिए गरीबों के लिए काम करते रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई, नमस्कार। बहुत जबरदस्त बधाई साहब।